वो डेज ऑफ ग्रेस। कितने होते हैं? 3 डेज। ये हर बार फिक्स होते हैं, कितने भी टाइम पीरियड का आपका बिल होगा, 3 डेज ग्रेस पीरियड आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए ऐड करना है। इसके बाद में अगर कोई पब्लिक हॉलिडे है जो कि पहले से पता होती है, तो पब्लिक हॉलिडे के लिए आपको क्या करना है, -1 डे। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे है जो पहले से पता नहीं होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, +1 डे। इस तरह से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज क्लास में भी ये बात कहा था। अब आपको डेट भी करेक्ट लिखनी होगी, जर्नल एंट्री भी सही लिखनी होगी, अमाउंट का कैलकुलेशन भी सही करना होगा, नरेशन भी प्रॉपर लिखना होगा। हर एक एक छोटी छोटी बात के मार्क्स मिलेंगे भी और एक छोटी छोटी बात के मार्क्स कटेंगे भी, तो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर कॉशियस नाउ, राइट। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको टोटल 4 में से 2 कंडीशंस पढ़ाई हैं। पहला, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और सेकेंड मैंने आपको व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिफोर मैच्योरिटी। ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपको ऑलरेडी, इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से हम करते हैं, कौन सी डेट्स पर पर्टिकुलर एंट्रीज वगैरह होती हैं, सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। रिमेनिंग 2 कंडीशंस उसको हम बाद में लेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ आज। नेक्स्ट 2 कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं, थर्ड कंडीशन जैसे आती है वेयर द बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, फोर्थ आता है वेयर द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, उसे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ये जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ये चीजें अगर आपने नहीं पहले क्लास अटेंड की है, ऐसा कुछ भी है, तो आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लेना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, अगर बुक्स नहीं लेके बैठे तो बुक्स निकालिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दे रखा होगा, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बिल और पीरियड दे रखा है। तो यहाँ पे सपोज करें आपको देता है, दैट इज 1 December 2018 का एक बिल है आपके बुक में, अगर डेट चेंज हो तो उसके हिसाब से आप देख लेना। और ये बिल ड्रॉ किया है 60 डेज के लिए, मैं 1-2 बताऊंगा आपको, बाकी आपको अपना भी करना है। सेकेंड वाला जैसे हम देखें तो इसमें इसने लिखा है 30 April 2019 का ये बिल है, और इसके लिए इसने पीरियड हमें मेंशन किया है 2 months का। तो जब डेज में अगर टेन्योर है, देन वी नीड टू काउंट ईच एंड एवरी सिंगल डे, एंड वेयर द टेन्योर इज इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम मंथ टू मंथ, नॉट अ पर्टिकुलर सिंगल डे विल बी कंसिडर्ड, चाहे उस मंथ में आपके 31 डेज हैं या उसमें 29 डेज हैं, वॉट एवर इट मे बी, बट वेयर द यूनिट हैव बीन गिवन इन मंथ्स, वी नीड टू कंसिडर द होल मंथ, वेदर इट हैज लेस नंबर ऑफ डेज और मोर नंबर ऑफ डेज, बट वेयर द पीरियड इज इन डेज, वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी सिंगल डे। सो सबसे पहले 1 December से अगर मुझे 60 डेज काउंट करने हैं, तो आप जानते हैं कि दिसंबर मंथ में मेरे पास में कितने डेज होते हैं, 31 डेज का होता है 1 December से 31 December, दिसंबर मंथ में 31 डेज ही हो गए। अब 60 में से 31 चले गए, तो मेरे पास कितना और चाहिए, मुझे 29 डेज और चाहिए, राइट। तो जनवरी के 29 हो जाएंगे, और जब जनवरी 29 आ गया, जनवरी 29 में जब आप ऐड करोगे
तो जनवरी 29 के हिसाब से आपका जो ड्यू डेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज कमिंग, या इसको ले लीजिए आपके जनवरी 29 में आप ऐड करेंगे 3 days ग्रेस पीरियड का, तो 30, 31 और 1st, 3 days आपने ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया। अब ये टोटल कितना हो रहा है देखिए, 31 plus 29 60, 60 plus 3 63 हो गया। तो आपका इसमें जो ड्यू डेट है वो क्या हो जाएगा, 2nd of February 2019। देखिए ये चीज समझ में आई आप लोगों को, राइट? 31 days दिसंबर के हैं, 29 days जनवरी के हैं, 3 days ग्रेस पीरियड के हैं, और ये सारा ऐड करने के बाद में 60 days का एक 60 plus 3 days का पीरियड बना। तो नेक्स्ट आपका 2nd of February 2019 उसका क्या हो गया, ड्यू डेट फॉर पेमेंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है इसको आप देखें एक बार, या 2 months की बात कर रही हूँ, इजी हो जाता है। 30th अप्रैल से 1 month कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, 30 है ना, तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई में कितने डेज होते हैं हमारे पास में, 31st, तो 31st मई, और 31st मई के बाद में जो नेक्स्ट डेट जाएगी वो क्या जाएगी आपकी, दैट वुड बी 30th जून। 2 months हो गए, और इसमें आप फिर ऐड करेंगे 3 days ग्रेस पीरियड के, तो प्लस 3, तो आपके जो ड्यू डेट हो जाएगी 30th जून में जब आप 3 days ऐड करते हैं, तो 3rd of July आपकी क्या हो जाएगी, 3rd July 2019 आपकी हो जाएगी ड्यू डेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए किस तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलिए। मेन इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, अगर डेज में दे रखा है तो डेज के हिसाब से कंसीडर होगा, और अगर मंथ में है तो मंथ के हिसाब। पहला है हमारे पास में ए, जिसको हम बोल सकते हैं सेलर। दूसरा है हमारे पास में बी, जिसको हम बोल सकते हैं बायर, और 5000 plus IGST का ये ट्रांजेक्शन है। 5000 का जैसे अगर हमें 18% कैलकुलेट करना है तो सिंपली हो जाएगा 5000, और इसका आपका 500, और 20% हो जाता है कितना आपका 1000, और 1000 में से 100 लेस कर दीजिए, 1000 में से कितना लेस करेंगे आप, 100 ही लेस होगा, तो 900 रुपीज आपका IGST हो जाता है। सो इट वुड बी 5900 का टोटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा ये। A received rupees 900 by check from B and drew on him a bill for the balance amount. तो A ने 900 rupees तो cash में receive कर लिया, और जो balance बचा उसके लिए एक bill draw किया। Bill किसने draw किया है, A ने draw किया। तो क्या मैं A को drawer लिख सकता हूँ, drew upon him लिखा है ना, drew upon him a bill for the balance, तो किसने draw किया, ए ने ड्रॉ किया, तो ए क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। इसके बाद में जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो क्या हो गया, वो ड्रॉ ही हो गया, दो ही पार्टीज है। पेबल 3 months after date, तो जो डेट इसमें दी गई है, कौन सी डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ था, 1st January पे, तो 1st January पे ट्रांजेक्शन हुआ था, और 1st January से हमें काउंट करने 3 months, 2021 जनवरी 1st का ये ट्रांजेक्शन है, और इससे 3 months का ये मैच्योरिटी पीरियड बनेगा। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। ए रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कि क्या बिल रिटेन करके रखा गया, क्या बिल को डिस्काउंट करवाया, क्या बिल को एंडोर्स किया, ये सब बात क्वेश्चन में लिखी हुई रहेगी, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इसने क्या किया, द बिल वॉज रिटेन till the date of maturity by A. On the due date, the bill was paid. और जब due date आती है तो bill का payment हो जाता है. Past journal entries in the books of A and B also show necessary accounts in the books of both the parties. तो अब हम journal entries इसकी कर लेते हैं पास, तो एक बार देखें आप किस तरह से journal entry होंगी, एक बार तो mind में सोचो आपकी क्या होंगी। यहाँ पर journal entries जो कर रहा हूँ उन पर आप थोड़ा सा concentrate करें, और जिस journal entry में doubt लगे पूछना। सबसे पहली जनरल एंट्री मैं कर रहा हूं यहां पे, बीज अकाउंट डेबिटेड, टू
sales account to output IGST account. सेल्स के साथ में जीएसटी क्रेडिट होता है और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी आता है. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अमाउंट कैसे लिखेंगे आप? 5000 रुपीज का गुड्स है, 900 रुपीज का टैक्स है. टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 5900 रुपीज का. इसी की तरह से अगर मैं बी की बुक्स में एंट्री करूंगा तो उसके लिए भी डेट तो सेम होगा 2021, वही डेट आएगा जनवरी 1st. एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस के साथ में इनपुट होता है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड to A's account being goods purchased on credit. Rupees 5000 का goods है, 900 rupees IGST है और 5900 rupees total due हो गए A से. इसके बाद में जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है वो हम पार्ट पेमेंट के लिए करेंगे. और जो पार्ट पेमेंट की जनरल एंट्री है वो भी दोनों की बुक्स में होंगी. डेट होगा वही हमारा जनवरी 1st, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट हुआ था. हम मनी रिसीव करेंगे, कैश में रिसीव किया इसने रुपीज 900, चेक से रिसीव किया है 900 बाय चेक. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द चेक हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट being part payment received from debtor, rupees 900 in debit and rupees 900 in credit. January 1st, A's account debited to bank account being part payment made to creditor. Rupees 900 in debit, rupees 900 in credit. एक बार यहां तक देखें, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर माइंड में है तो पूछिए. 2021 जनवरी 1st बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड to B's account being acceptance received from Dravi. आप A भी लिख सकते हैं, I mean B, received from B. कितनी की acceptance received किया आपने? Rupees 5000 की. तो आप देखिए बिल्कुल सेम जर्नल एंट्रीज हैं. अभी जब हमने मनी रिसीव किया तो हम एंट्री क्या की थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट. और जब बिल रिसीव किया तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. कोई चेंज नहीं है. आप ध्यान से देखो ये एंट्री क्या की हुई है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. और उसके बाद में जब चेक रिसीव किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट किया था. जब आपने बिल रिसीव किया था आपने एंट्री क्या की है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आप रिसीव कर रहे हो उसको डेबिट कर देना, जिससे रिसीव कर रहे हो उसको क्रेडिट कर देना. ठीक है. इसके बाद में ड्रॉई की बुक्स में इस डेट पर क्या जनरल एंट्री होगी? सोच के देखिए. जब हमने एक्सेप्टेंस रिसीव की है तो कब रिसीव की?
जब बी ने हमें एक्सेप्टेंस दी, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, ए इज अकाउंट डेबिटेड, मैं यहां से उठ के थोड़ा यहां आ जाता हूं, टू बिल पेबल अकाउंट, बीइंग नरेशन क्या होगा, एक्सेप्टेंस गिवन, टू ए 5000 की एक्सेप्टेंस दी है, अच्छी बात है, दे दी एक्सेप्टेंस। अब क्या करना है, अब इंतजार करना है ड्यू डेट का, क्योंकि जो पेमेंट है अब तो हम ड्यू डेट पे करेंगे। ड्यू डेट कब है, तीन महीने बाद, थ्री मंथ्स काउंट करो, जनवरी से फरवरी एक महीना, मार्च दो महीना, अप्रैल तीन महीना, यानी कि एक अप्रैल को तीन महीने कंप्लीट हो रहे हैं, और फर्स्ट अप्रैल में जब हम थ्री डेज ऐड करेंगे तो हमारी जो ड्यू डेट आ जाएगी वो होगी अप्रैल फोर। अप्रैल फोर पे हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश ही है ना, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज पेड, हाँ, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल ड्यूली कलेक्टेड, ड्यूली कलेक्टेड मतलब जो भी ड्यू डेट थी उस पर कलेक्ट हो गया, कितना 5000 विदाउट एनी डिफॉल्ट, सारा अमाउंट हमें कलेक्ट हो गया। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ बी, तो क्या एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री, कौन सी डेट पे होगी, ऑब्वियसली ड्यू डेट पर, व्हाट इज द ड्यू डेट, इट इज अप्रैल 4। क्या एंट्री होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपने बिल पेबल को क्रेडिट किया था ना, तो पेमेंट करते समय उसको डेबिट कर दो, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5000 का हमने पेमेंट कर दिया, हो गया अकाउंट सेटल। अब एक बार देख लीजिए, किसी तरह को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, बीइंग बिल ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चार चार जनरलिटीज हमने की हैं, दोबारा से एक बार देख लीजिए एज ए रिविजन पार्ट। सबसे पहली एंट्री, गुड सेल किया, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर मनी रिसीव करने की जब बात आती है तो पहले आधा अमाउंट रिसीव किया है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बाकी के अमाउंट के लिए हमने क्या किया है, बाकी के अमाउंट के लिए हमने बिल रिसीव किया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। सेकेंड और थर्ड जनरल एंट्री को आप कंबाइंड भी कर सकते थे अगर चाहते तो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, ये सेकेंड और थर्ड जनरल एंट्री, बैंक कितना 900, बिल कितने का 5000 का, और बी का अकाउंट 5900 का, तो अगर आप चाहते थे उनको कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे आप सेकेंड और थर्ड के लिए, और अलग अलग भी कर सकते हैं। फाइनली जो ड्यू डेट थी उस पर हमने पेमेंट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मनी रिसीव कर लिया, नॉट पेमेंट कर दिया, मनी रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसी तरह से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, सबसे पहले गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, फिर मनी पेमेंट करने की बात आती है, एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पार्ट पेमेंट किया, बाकी के लिए एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, और जब ड्यू डेट आती है तो पेमेंट कर दिया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हर अकाउंट आप देखेंगे जनरल एंट्रीज को कॉपी में लिखने के बाद कॉन्सेंट्रेशन से आप देखेंगे, तो एक एंट्री में अगर कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हुआ है तो अगली एंट्री में वो क्रेडिट हुआ है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट क्रेडिट का रूल ही यही है, ऑल अकाउंट्स हैव डेबिट एंड क्रेडिट, इक्वल अमाउंट का डेबिट क्रेडिट होता है, वो हमारा यही रूल है। कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एज अ होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको दो क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में उसको चेक कर सकें। आई रिपीट, सॉल्व करने के बाद में चेक करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
क्वेश्चन को देखिए, कॉपी में उसे सॉल्व कीजिए, सही गलत जितना आ रहा है जैसा आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ इवेल्युएशन है। और पूरा कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद में उसको बुक के सॉल्यूशन से चेक करो कि हमने जो सॉल्यूशन किया क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है। पूरा क्वेश्चन होने के बाद में चेक करना है, बीच में चेक नहीं करना है। दिस इज द होमवर्क। अभी कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।